So guys, welcome back to the new video in which we are going to talk about Yasaka Raigan Rubber. So इस टेस्ट में मैंने यूज़ किया है DHS PG5 ब्लेड। तो चलिए शुरू करते हैं टॉप स्पिन एंड काउंटर्स के साथ। वाइल प्लेइंग टॉप स्पिन एंड काउंटर्स मेरे को ये फील हुआ जो ये रबर है बहुत ज़्यादा सिमिलर है रैक्सा सीरीज से। जो आपको पावर मिलेगा वो बहुत ज़्यादा सिमिलर है रैक्सा 9 की तरह। एंड जो स्पिन मिलेगा वाइल हिटिंग टॉप स्पिन एंड काउंटर्स वो आपका सिमिलर है रैक्सा 7 की तरह। बेस्ट पार्ट है इस रबर का जो आप पावर से भी हिट करोगे बट आपको जो कंट्रोल मिलेगा वो सिमिलर रहेगा आपका यासाका मार्क 5 की तरह। मतलब आपको पावर रैक्सा 9 की तरह मिलेगा, स्पिन आपको रैक्सा 7 की तरह मिलेगा एंड जो कंट्रोल होगा वो यासाका मार्क 5 की तरह होगा। मैं अपने टॉप स्पिन बहुत कंफर्टेबली खेल पा रहा था बिकॉज ये जो रबर है बहुत कंट्रोलेबल है एंड साथ ही साथ बहुत पावरफुल भी है। प्लस जो स्पिन मिल रहा था वाइल हिटिंग टॉप स्पिन दैट वाज रियली गुड। सो अब बात करते हैं लूपिंग के ऊपर। सो जब मैं लूप मार रहा था यासाका राइगन से मेरे को ये फील हुआ जो रबर है वो बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहा है मेरे को स्पिन जनरेट करने में बिकॉज जो स्पिन है वो बहुत ज़्यादा सिमिलर है रैक्सा 7 की तरह। एंड जो पावर मिल रहा था वाइल लूपिंग इट वॉज रियली सिमिलर टू रैक्सा 9। जब मैं लूप मार रहा था मेरे को बहुत ज़्यादा कंट्रोल मिल रहा था एंड जो बॉल जा रही थी वो ओवर द नेट ईजिली जा रही थी एंड जो टेबल पे जब लैंड करके जो इसका लूपिंग इफेक्ट हो रहा था वो बहुत अच्छा था। मैं यही बोलूँगा इससे लूपिंग आपका बहुत अच्छा हो जाएगा इस रबर से क्योंकि जो कंट्रोल है वो बहुत ज़्यादा सिमिलर है यासाका मार्क 5 से। मैं ये बोलूँगा जो आपका लूप रहेगा वो बहुत ज़्यादा कंट्रोल रहेगा। यू विल बी एबल टू प्ले कंट्रोल लूप विद दिस रबर। ये रबर में बहुत अच्छी स्पेशलिटी ये है कि एक लो बजट रबर होने के बाद भी इसका जो क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा प्रीमियम है जस्ट लाइक आपका रैक्सा सीरीज। सो अब बात करते हैं बैक एंड टॉप स्पिन के ऊपर। सो जब मैं यासाका राइगन से बैक एंड टॉप स्पिन मारा था मेरे को जो फील हुआ वो बहुत ज़्यादा सिमिलर लगा मेरे को रैक्सा 9 की तरह। वो बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहा था मेरे को अपने ओपोनेंट को डिसीव करने के लिए बिकॉज ये जो रबर है इसका जो स्पिन पोटेंशियल है वो रैक्सा 7 से बहुत ज़्यादा मैच करता है। एंड जब मैं इसे बैक एंड टॉप स्पिन मार रहा था मेरे को बहुत ज़्यादा कंट्रोल मिल रहा था प्लस मेरे को उतना ही पावर मिल रहा था। आई विल से दिस इज़ द बेस्ट रबर विद अ कॉम्बिनेशन ऑफ रैक्सा 7 एंड रैक्सा 9 इन इट। एंड ये जो रबर है ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा अगर आप कोई भी टेंसर रबर्स पे जा रहे हो क्योंकि ये भी रबर एक टेंसर रबर ही है। आपको पता है कैटापुल्ट टेंसर इसको और भी बहुत सारे नाम से बुलाया जाता है इन रबर्स को। यासाका डिड इट वेरी वेल। एक लो बजट रबर में भी उन्होंने रैक्सा का पोटेंशियल रखा दैट इज़ वेरी गुड बिकॉज फॉर द न्यू प्लेयर्स जो इतना ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना चाहते उनके लिए रबर बहुत अच्छा है। सो जो राइगन है उसमें आपको बहुत ज़्यादा कंट्रोल मिलेगा आपको बहुत अच्छा टॉप स्पिन इफेक्ट मिलेगा प्लस आपका जो स्पिन होगा वो रैक्सा 7 से बहुत ज़्यादा मैच करेगा। सो अब बात करते हैं इसके बैक हैंड फ्लिक पोटेंशियल्स के ऊपर। सो जब मैं बैक हैंड फ्लिक मार रहा था राइगन से मेरे को ये फील हुआ जो स्पिन मिल रही है बहुत ज़्यादा अच्छा है एज़ कम्पेयर टू दूसरे रबर्स जो इस बजट में आते हैं। यू विल फाइंड वेरी ईजी टू प्ले बैक एंड फ्लिक्स विद दिस रबर। दिस रबर इज़ रियली गुड फॉर प्लेइंग बैक एंड फ्लिक्स क्योंकि जो आपको स्पिन मिलेगा वो बहुत ज़्यादा हैवी मिलेगा एंड दिस विल बी वेरी सिमिलर टू रैक्सा 7। मैं पहले ही बता दे रहा हूँ ये जो रबर है ये रैक्सा के जो सीरीज़ है उससे बहुत ज़्यादा प्रिटी आइडेंटिकल है।
जो कंट्रोल एंड जो आपका स्पिन पोटेंशियल है इस रबर का वो राक्षस 7 एंड यासा का मार्क 5 का है। सो जो कंट्रोल है वो यासा का मार्क 5 का मिलेगा एंड जो स्पिन पोटेंशियल है वो आपको राक्षस 7 से मिलेगा। आई वॉज एबल टू हिट बैक हैंड फ्लिक वेरी ईजिली विद दिस रबर बिकॉज जो इसका टॉप शीट है वो बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहा था मेरे को अपना फ्लिक ईजिली मारने के लिए। सो अब बात करते हैं टच प्ले एंड सर्विसेज के ऊपर। सो जब मैं राइगन को अपने फोर एंड चॉप पुश में यूज़ कर रहा था मेरे को बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि एक बहुत ज़्यादा लीन रबर है, जो आपका बॉल जाएगा वो बहुत ज़्यादा लीन जाएगा। आपको पहले ही पता है कि अगर आपका बॉल बहुत ज़्यादा लीन नहीं जा रहा देन इट्स नॉट गुड फॉर योर फोर हैंड, क्योंकि आपको पता है फोर हैंड पुश में सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है वाइल प्लेइंग टच प्लेज। मैंने इसको दोनों तरफ चलाया, बैक हैंड पे भी चलाया, मैंने फोर हैंड पे भी चलाया एंड जो रिजल्ट्स है वो बहुत ज़्यादा सिमिलर है फोर हैंड पे भी एंड बैक हैंड पे भी। जो पुश जा रहा था, जो चॉप पुश जा रहा था वो बहुत ज़्यादा लीन जा रहा था, लीन ट्रेजेक्ट्री में जा रहा था, जिससे बहुत अच्छा इफेक्ट मिल रहा था एंड जो बैक स्पिन इफेक्ट हो रहा था चॉप पुश में वो बहुत अच्छा है क्योंकि जो इसका टॉप शीट है वो बहुत ज़्यादा ग्रिपी है एंड इट इज़ रियली सिमिलर टू राक्षस 7 एंड जो आपको चॉप पुशिंग में जो लीन ट्रेजेक्ट्री है वो पूरा सिमिलर है आपका राक्षस 9 की तरह। सो चलिए अब बात करते हैं सर्विसेज के ऊपर। सो जब मैं सर्विस कर रहा था मेरे को बहुत ज़्यादा स्पिन मिल रहा था इस रबर में। आई वॉज एबल टू जनरेट अ लॉट ऑफ स्पिन विद दिस रबर। इट्स अ रियली ग्रेट दैट यासाका हैज मेड दिस टाइप ऑफ रबर विच इज़ रियली हेल्पफुल फॉर द बजट प्लेयर्स हु आर लुकिंग फॉर द रबर विच इज़ सिमिलर टू राक्षस। मैं यही बोलूँगा कि ये जो रबर है बहुत अच्छा है वाइल प्लेइंग एवरी स्ट्रोक ऑफ टेबल टेनिस। सो अब बात करते हैं प्रोज एंड कॉन्स के ऊपर। प्रोज, सिमिलर टू राक्षस सीरीज, पावर लाइक राक्षस 9, स्पिन लाइक राक्षस 7, कंट्रोल लाइक यासाका मार्क 5, अफोर्डेबल रबर। कॉन्स, ब्रिटल रबर, लाइफ स्पैन इज लेस,